मॉर्निंग एवरीवन, चलिए कल से आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में अपनों ने इसका बेसिक देख लिया प्रोबेबिलिटी का, आज चलिए अपन इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक चीज है और बेसिक क्वेश्चंस के पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और आप जो बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़िएगा तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में डाउट वाले क्वेश्चन जो है अगर कभी आ जाते हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो जो नंबर दे रखे, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका बेसिक, अपन पहले इस वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अगर इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर इसका बेसिक नहीं समझा हो तो फिर उसको क्वेश्चन दिक्कत देगा, ठीक है। तो आप उसका पहले वाला जो वीडियोस है वो जरूर देखें। क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट वुमन हिट अ बाउंड्री सिक्स टाइम्स। यानी क्रिकेट मैच हुआ जहां पर बैट वुमन ने यानी महिला खिलाड़ी जो थी उसने बाउंड्री को हिट किया कितने टाइम, सिक्स टाइम, ठीक है। कितने टाइम हिट किया उसने, सिक्स टाइम, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेयर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। और उसने कितनी गेंदें खेली टोटल उसने 30 बॉल खेली, 30 बॉल में से कितनी बार उसने बाउंड्री हिट किया, सिक्स टाइम। यानी सीधी सी बात है, अपन 30 बार गेंद फेंके अगर ये बाउंड्री की फिक्र नहीं समझ नहीं आता हो तो सीधी बात समझो कि अपने 30 बार गेंद फेंका किसी को और उसने 6 बार ही गेंद को मारा, बाकी जो बच रहे उस टाइम उसने गेंद को नहीं मारा, ठीक है। अच्छा बताओ, 30 बार गेंद फेंके उस पर 6 बार अगर अपन गेंद को दे बैट्स बल्ले से मारा उसको तो कितनी बार निकला, अगर वो निकाला कैसे करोगे, तो 30 है उसमें 6 बार गेंद को उन्होंने बाउंड्री पहुंचा दिया तो कितनी बार नहीं पहुंचा, तो 30 में 6 30 में 6 माइनस कर दो कितना 24 आ जाएगा, ठीक। 20 बार उसने नहीं मारा गेंद पे ना। आगे बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं किया हो, नॉट हिट अ बाउंड्री, बाउंड्री हिट नहीं किया हो, ठीक है। हिट कितनी बार किया, सिक्स टाइम, और अपने से पूछा कि हिट नहीं किया हो, ठीक है। तो कैसे करना है वो समझते हैं अपन। सबसे पहले तो क्वेश्चन की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखो तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखे, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। अच्छा बुक में यहाँ पे फेवरेबल आउटकम भी देता है, जो रिक्वायर हो फेवरेबल, जो फेवर में चाहिए जो फेवरेबल वही वो क्या होगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। रिक्वायर्ड आउटकम यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, टोटल आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम टोटल, ठीक, ये सिंपल। अब रिक्वायर में क्या चाहिए और टोटल में क्या चाहिए, तो अगर मैं टोटल आउटकम लिखूं तो टोटल तो कितने हैं 30, टोटल कितने हैं 30, और रिक्वायर में क्या चाहिए, नॉट हिट बाउंड्री, उसने बाउंड्री को हिट कितनी बार नहीं करा। अब अपने पास यहाँ पेपर पे बाउंड्री को हिट करने का नहीं है, सॉरी बाउंड्री हिट करने का भी है लेकिन बाउंड्री हिट नहीं करने का नहीं है, नॉट हिट बाउंड्री चाहिए अपने को। तो मैं लिखता हूँ बाउंड्री हिट कितनी बार करी, तो लिखते हैं गिवन में सॉल्यूशन लिखिए, वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, लिखा गिवन करके, क्या गिवन है अपने को वो लिख देते हैं यहाँ पर पहले, बहुत अच्छा से गिवन करके, मान लो महिला खिलाड़ी जो है सी हिट्स अ बाउंड्री, हिट्स अ बाउंड्री, और कितनी बार हिट करी बाउंड्री को, देखो देखिए सिक्स टाइम, कितने टाइम में सिक्स टाइम दे रखा है, बाउंड्री को हिट कितनी बार करी तो सिक्स टाइम। अच्छा टोटल कितनी बॉल है, टोटल कितनी है 30, और टोटल आउटकम जो कितने हैं, टोटल आउटकम हिट्स अ बाउंड्री, तो ये तो है आपके पास कितने हैं बच्चों 30, कितने टोटल हिट्स बाउंड्री 30। अब इस 30 में से उसने सिक्स टाइम बाउंड्री हिट करी तो कितने बार नहीं करी पता लग जाएगा यहां से, आप माइनस कर दो, तो लिखते हैं सी डिड नॉट हिट्स अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को कितनी बार हिट नहीं करा। अच्छा ये क्यों निकाल रहे हैं, अपने को चाहिए नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने कितनी बार बाउंड्री को हिट नहीं करा वो चाहिए, तो टोटल 30 है, 30 में से उसने 6 बार बाउंड्री को हिट करा तो कितनी बार निकला निकल के आ जाएगा कितनी बार 24, ठीक। ये समझ आ रहा है, सिंपल से ये बात क्या समझ आ रहा है, 24 कैसे आ रहा है
मान लो अपन सब खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे मान लो, और मैंने 30 बार गेंद फेंकी और 30 में से आपने 6 बार गेंद को मारा, तो कितनी बार नहीं हिट कर बाउंड्री को, कितनी बार बाउंड्री को आपने 30 में 6 टाइम पहुंचा दिया, ठीक, तो 6 टाइम चला गया तो कितनी बार नहीं गया, तो 30 में से माइनस करोगे टोटल में से तो कितना हो गया, 30 में से माइनस करो 24 आ गया। अब सीधी सी बात पार्टनर वेरी पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड आउटकम कितना है 24, टोटल आउटकम कितना है 30 है, कैंसिल करो 6 4 24 6 5 30, तो आंसर निकल के आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार सॉल्व कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिएगा, इस पर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है।